सामान्य विधानसभा निर्वाचन की मतगणना को शांतिपूर्वक निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने मतगणना ड्यूटी में लगे पुलिस के समस्त अधिकारी और कर्मचारी को ब्रीफ किया, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मतगणना स्थल पर 2500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी के संबंध में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों को ब्रीफ किया गया कि किन किन नियमों के तहत ड्यूटी करना है, कहां ड्यूटी करनी है और किन किन नियमों का पालन करना होगा, ये सब जानकारी दी गई तथा शहर में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भारी संख्या में अर्धसैनिक बल PSC पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे मतगणना को सकुशल संपन्न कराया जा सके। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना के किसी भी प्रत्याशी के जो भी काउंटिंग एजेंट हैं वो विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे, उनकी गाड़ियां RTO ऑफिस के पास खड़ी होंगी और प्रत्याशियों की गाड़ी विश्वविद्यालय के साइकिल स्टैंड में खड़ी होगी। प्रत्याशियों के लिए पास भी जारी किया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक यातायात MP सिंह, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह तथा ASP CO बांसगांव राहुल भाटी सहित क्षेत्राधिकारी अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, हर बिल्डिंग के लिए मैं एक आदमी तैनात करूंगा जिसके पास हमारा लोकल हैंडसेट रहेगा। आपदा में हमारे पास काफी हैंडसेट है और एक दो हैंडसेट हम जो आपका चैनल नंबर 2 है जो सिटी चैनल है उसका रखे रहूंगा, कोई बात होगी हम लोग तत्काल पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर साहब ने कहा है हमारी जो एंट्री हो रही है वो सभी जितने भी प्रत्याशी या उनके एजेंट हैं विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से हो रही है, वहां मजिस्ट्रेट भी होंगे और उनके पास वीडियो कैमरा भी रहेगा। इसी तरह से हमारा दूसरा गेट इतिहास विभाग की तरफ से है, परंतु उधर से गाड़ियां आ रही होंगी तभी वहां पर एक मजिस्ट्रेट और उनके पास वीडियो कैमरा रहेगा। अंदर भी 4-4 वीडियो कैमरे हम दे रहे हैं कि कोई भी बात होगी तो वो रिकॉर्ड कर सकेंगे। अब तक पूरा चुनाव हमारा निर्विघ्न और बिना किसी विवाद के गुजरा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और आप सब लोगों का सहयोग चाहूंगा कि उस दिन हम लोग विनम्र रहेंगे। तो अब देखिए कल शाम भी कुछ भी हमारे गोरखपुर में नहीं हुआ, तो 5 बजे पहले खोल देते थे, खोल करके उससे मुक्त हो जाते थे, चलो भाई ये ड्यूटी हमारी समाप्त हो गई। परंतु अब की बार हमें लोग ये अप्रोच कर रहे हैं कि साहब जब स्ट्रांग रूम खुलेगा तो हमारा आदमी वहां बैठा रहेगा और देखते रहे कि हम स्ट्रांग रूम में कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम में हमारा एक ARO उसका इंचार्ज बना दिया जाता है और 14-14 सफाई कर्मचारी अंदर जाते हैं और है, आप उसको ले जाएंगे और वही वापस ले आकर के काउंट करा देंगे। यद्यपि जैसे हमारी गाड़ियों का एक एक का नंबर होता है वो बाहर लिखा होता है लेकिन EVM का नंबर अंदर होता है, पर दूसरी EVM निकली, दूसरी EVM निकलेगी। क्यों? हमारी जो जितने बूथ हैं, जैसे किसी जगह 511 बूथ हैं तो 511 EVM तो हमारी नंबर हमने सभी पार्टी सभी जिलाध्यक्षों को अवेलेबल करा दिया। दूसरी प्लेस भी हमारी माइक, जब हमारा मॉक पोल हो रहा था मतलब सुबह 7 बजे के पहले मॉक पोल के समय जब उसमें कोई मतदान नहीं हुआ है, जो EVM मॉक पोल के समय चेंज की गई जिसमें कोई वोट कास्ट नहीं हुआ आरंभ हो गया, उस दौरान अगर कोई EVM चेंज हुई है उसका पूरा सेट नया लगा है तो वो स्ट्रांग रूम में ही रखी हुई है। सभी को मालूम है कि कितनी EVM से हम कहीं बात करना शुरू करते हैं दसियों लोग मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग कल का दिन मैक्सिमम चुपचाप गुजारेंगे। पढ़ाई लिखाई सब बातें शहर भर की बातें करके आपका विश्वास हासिल करेगा फिर आज से अंदर की बात करेगा, आप बताओ क्या होगा, कौन जीतेगा आप बताओ। और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले चुनाव करवा रखा है, हाथ खड़े कर अपना। और ये नया अनुभव है आप सभी के लिए, तो आनंद लीजिए इस अनुभव का। जब पिक्चर देखने जाते हैं हॉल में तो डायलॉग हीरो को बोलने देते हैं, हम लोग चुप हैं। कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है आपको बताना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो समय आप पर निर्भर करता है, आपने गड़बड़ की तो फिर गड़बड़ एक बार शुरू हो गई तो गड़बड़
इसमें आप देख ही रहे कितना विवाद चल रहा है। एक डाउट का एक मतलब आप जितना नियम का पालन करेंगे उतना ठीक रहेगा। आपको 5 बजे बोला है, मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप भी दिमाग में लगे, मैं भी दिमाग में लगाऊ। हमने लिखित में 5 बजे मैंने ऑर्डर कर दिया, 5 बजे मैं स्वतः 5 बजे गेट पे आपको उपलब्ध मिलूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो नोटिस जारी होगा, फिर वो नौकरी करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 बजे नहीं आया तो फिर बेकार है। आप देख रहे हैं कितना विवाद चल रहा है। उल्टी सीधी बात करेंगे, फालतू बात करेंगे तो मामला बढ़ता रहेगा, तो ऐसा काम कीजिएगा। राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ हूँ। पुलिस ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और जो आज सुबह प्रेस में जारी भी हुई थी, वो ये है कि जो भी हमारे मतगणना के एजेंट हैं, जो काउंटिंग एजेंट हैं किसी भी प्रत्याशी के, वो विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे। उनकी गाड़ियां ओल्ड जो हमारा RTO ऑफिस है वहां पे खड़ी होंगी। जो हमारे माननीय प्रत्याशीगण हैं उनकी गाड़ियां जो यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार है उसके बगल एक छोटी पार्किंग बनी हुई है वहां पर खड़ी होंगी। हम उनके लिए पास भी जारी कर रहे हैं, अगर वे चाहें तो हमारे कार्यालय से अपनी एक गाड़ी का ड्राइवर का फोटोग्राफ भेज करके पास जारी करा सकते हैं। मीडिया के पास जारी किए गए हैं मीडिया अधिकारी के द्वारा, DIO साहब के द्वारा। मीडिया के कर्मी अपना जो कैमरा लेकर के आएंगे उसके लिए वो अधिकृत रहेंगे। मोबाइल उनके ले आए? हाँ, मोबाइल कम से कम ले आए तो अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव 2022 की जो मतगणना होने वाली है उसमें जनपद के तकरीबन 2500 पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगे हैं और उन्हीं पुलिसकर्मियों की आज पुलिस लाइन में ब्रीफिंग रखी गई, जिसमें कि कल उनको क्या नियमों के तहत क्या ड्यूटी करनी है, कहाँ ड्यूटी करनी है और क्या क्या नियमों का पालन करना है, इस संबंध में जानकारी दी गई है। यहाँ सीनियर अधिकारी सभी जनपद के मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में पुलिस बल को बताया गया, उनके जो संदेह और शक थे, कोई अगर कोई सवाल हो तो उसका भी निदान किया गया है। और कल सुबह 5 बजे से हमारी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे और कल होने वाली मतगणना को शांतिपूर्वक, निष्पक्षता से और सकुशल संपन्न करवाने का कार्य करेंगे।